अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और इसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 200 ग्राम चिकन लिया है और ये हड्डीदार है, हड्डीदार ही लीजिएगा, हड्डी में ज़्यादा जूस होता है। यहाँ मैंने थोड़ी सब्जियाँ ली हैं, एक गाजर ली है, पत्ता गोभी, हरा धनिया के डंठल लिए हैं और हरी प्याज का ये वाइट वाला हिस्सा लिया है। हम सूप कुकर में बनाएंगे ताकि जल्दी बन जाए। इसमें सारी सब्जियाँ डाल देंगे, आपके पास जो भी सब्जियाँ हों वो डाल दीजिए। हम सब्जी इसलिए डाल रहे हैं ताकि सूप और ज़्यादा हमारा हेल्दी हो जाए। इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और जितना चिकन लें उससे चौगुना पानी डाल दें। तो मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, 800 ml मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ढक्कन लगाकर एक सीटी आने के बाद 20-25 मिनट मैंने इसे धीमी आँच पर पका लिया था ताकि चिकन खूब अच्छे से गल जाए। तो चिकन हमारा अच्छा गल चुका है, एकदम पीस बहुत बढ़िया गले हैं। उसके बाद हम चलनी रखेंगे और इस सब चिकन के छान लेंगे। तो चिकन को ज़्यादा गलाना है ताकि अच्छे से जूस इसका निकल जाए। अब हमारे चिकन के जो पीस हैं उन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक प्लेट लेंगे तो उसमें जो ये हमारे गाजर के पीस हैं उन पीसों को भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम बाद में डालेंगे और बाकी सब्जियों को चम्मच से मैश करते हुए हम इनका जूस निकाल लेंगे। अब इस पानी को हम संभाल कर रखेंगे क्योंकि ये ही हमारा चिकन का मेन जूस है। अब चिकन के जो पीस है उन सब में से हम हड्डी अलग कर लेंगे और इसका गोश्त अलग कर लेंगे। आप फोर्क से या हाथों से बिल्कुल रेशे रेशे करें, देखिए इस तरह जिस तरह मैंने करा बिल्कुल इस तरह कर लें। और इसके लिए हमने थोड़ा सामान निकाला है सूप के लिए, तो एक अंडा, थोड़ी हरी प्याज लिए, एक टेबल स्पून अदरक हमने बारीक चॉप कर लिए, तीन हरी मिर्च काट ली है, एक टेबल स्पून लहसुन को भी हमने बारीक काट लिया है, एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिए, एक पीस हमने बटर का लिया है, आधी टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, एक टेबल स्पून सिरका लिया है, दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या अरारोट, एक टेबल स्पून टमाटो केचप, एक टेबल स्पून सोया सॉस। सूप का हमने सारा सामान निकाल लिया है। अब गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में सबसे पहले हम बटर का पीस डालेंगे और इसके पिघलने के बाद इसमें हम डाल लेंगे लहसुन और अदरक, हरी मिर्च जो हमने बारीक काट कर रखी थी इसे डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसी के साथ हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन जो हमने रेशे रेशे करा था उस सबको डाल देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्राई करेंगे चिकन के तो आपका जो सूप है वो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। चिकन को थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन का जो हमने जूस रखा था वो डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम हरी प्याज डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे। अगर सिरका ना हो तो आप इसकी जगह नींबू डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस डाल देंगे और सॉस डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे गाजर, गाजर के पीस जो हमने अलग करके रखे थे उन्हें ये मैश कर लेंगे और मैश करके इसमें डाल देंगे। जब चिकन सूप हम पीते हैं तो गाजर के और चिकन के पीस जो हमारे मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सूप टेस्टी लगता है। अब 2 टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लोर रखा था या आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे और उसके बाद पकते हुए सूप में हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और इससे ही हमारा सूप गाढ़ा होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और अच्छे से इसे पकाएंगे। अब अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे और अगर आप इसमें जल्दी ना डालना चाहें तो सफ़ेदी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों डाल रही हूँ। और जब सूप खूब अच्छे से पक रहा हो, इसमें बॉयल आ रहा हो, तो अंडे को डाल दें और इसे चम्मच से फ़ौरन चलाएं, इसे रोके नहीं, लगातार चलाएं ताकि अंडा सब तरफ अच्छे से सूप में मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरह से इसके रेशे रेशे से हो जाएंगे। हमारा चिकन सूप बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। तो इस सर्दियों आप ज़रूर बनाएं, वैसे तो आप हर टाइम पिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये, बच्चों को, घर के बड़ों को और ख़ुद पिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।